हेलो एंड वेलकम टू केशूज डिटेल वर्ल्ड। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने केशू का घर किस तरह से मॉडिफाई किया, कहाँ से मुझे ये आइडिया आया, और इस वीडियो में जो जो सामान मैंने यूज़ किया है उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ की करंट सिचुएशन दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कितना मेस क्रिएट हो गया है। केशू का सामान ज़्यादा हो गया, स्पेस कम, तो मुझे इनका प्रॉपर स्पेस चाहिए ही चाहिए था जो कि मैं इनकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। तो मैंने अपनी यूट्यूब पे सर्च शुरू करी, तो मैंने जब सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि एक कान्हा की हवेली करके कुछ है, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो पता चला कि सबसे छोटी हवेली भी 40,000 से ऊपर की है। तो मैंने सोचा चलो बजट में रह के कुछ इस टाइप का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि एक बेडरूम, बाथरूम, एक गार्डन, कुछ इस टाइप की सिचुएशन रहे। तो घर शुरू करने से पहले मैंने उनका सारा सामान सेपरेट कर लिया एक कार्टन में, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना सारा सामान उनका हो गया है। और अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनका स्पेस बनवा भी दूंगी तो भी मैं ये सारा सामान उनके घर में कैसे एडजस्ट करूँगी। सो देखते हैं चलो। एक चीज़ तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे इनका परमानेंट स्पेस चाहिए होगा, तो मैंने कारपेंटर को बुला के एक शेल्फ तैयार करवाई जिसमें मैंने एक सेक्शन अलग करवा दिया। इस शेल्फ की कॉस्ट मुझे पड़ी 1500 रुपीज़ की, और फिर मैंने इसका डस्ट रिमूव करके इस पर पेंट करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको फर्स्ट कोट के बाद दिखाती हूँ कि ये किस टाइप का लग रहा था। सेकेंड कोट के लिए मैंने थोड़ा रोलर का यूज़ किया ताकि थोड़ा पेंट और इवनली स्प्रेड हो सके। सो फर्स्ट एंड सेकेंड कोट करने के बाद ये कुछ इस टाइप का लग रहा था, अब ये बिल्कुल सूख चुका है। सो मैंने फिर इसमें लाइट्स की फिटिंग कर ली। अब मैं इसकी लाइट आपको ऑन करके दिखाती हूँ। बड़े वाले सेक्शन में मैंने थोड़ी बड़ी लाइट लगाई है, और छोटे वाले सेक्शन में मैंने 0 वॉट की लाइट लगा दी है। सो फ्लोरिंग के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था मार्बल प्रिंट का वॉलपेपर फ्लिपकार्ट से, कुछ 150 रुपीज़ का पड़ा मुझे। सो इसको पेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्लीन कर लिया, फिर मैंने मेजरमेंट्स ले ली, फिर मैंने कटिंग करने की शुरुआत करी। जब मैंने कटिंग करी तो पहले 1 सेक्शन में डिवाइड करके फिर उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करा। फिर आप ध्यान देना कि मैंने जब इसको पेस्ट किया है ना, तो उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट के पहले टाइल्स के कॉर्नर्स की तरह ना सारा कुछ उसको पेस्ट कर लिया, उसके बाद फेविकॉल से इसको पेस्ट किया है। तो फेविकॉल से ना इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस वॉलपेपर को पेस्ट करते टाइम ना आपको इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसमें बिल्कुल बबल्स ना आए। इसे फिनिश करने के बाद मैंने ऑफ कैमरा बाथरूम का भी वॉलपेपर लगा लिया। तो अब मैं शुरुआत कर रही हूँ स्ट्रिप लाइट्स लगाने की। इसे मैं लोकल मार्केट से कुछ 140 रुपीज़ का लेके आई थी। सो स्ट्रिप लाइट लगाने के बाद इस शेल्फ का लुक कुछ इस टाइप का आ रहा है, और मैंने बाथरूम में ऑलरेडी एक मिरर प्लेस कर दिया है और उसके अक्रॉस मैंने स्ट्रिप लाइट लगाई है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक वॉश बेसिन लगानी है और ये वॉश बेसिन मैंने खुद ही बनाया है। इसे फिनिश करने के बाद बाथरूम में बहुत सारा स्पेस बच रहा था, तो उसे कंज्यूम करने के लिए एक छोटा सा वैनिटी एरिया भी मैं बाथरूम में ही बना रही हूँ। सो या गाइस, बाथरूम इज़ नाउ टोटली कम्प्लीटेड। ये रहा इसका छोटा सा लुक, और बाथरूम का पूरा टूर मैं वीडियो के एंड में दूंगी। फिलहाल हम अपना लिविंग रूम तैयार कर लेते हैं। लिविंग रूम की फाइनल डिटेल्स भी मैं लास्ट में टूर में दिखा दूंगी आपको। फिलहाल तो आप वीडियो देखो और इन्जॉय करो कि मैंने सारी चीज़ें कैसे कैसे प्लेस करी हैं और ऑर्गेनाइज करी हैं।
तो ये रहा लिविंग रूम। अब मैं आपको लिविंग रूम का डिटेल्ड टूर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है ये छोटी टेबल जिसके ऊपर रखी हैं इनकी मोजरीज। उसके बाद ये टेबल जिसको मैंने कुछ ऐसे सेट किया है, और ये दो साइड की टेबल्स गद्दियाँ, और इस दीवार पे ऐसी शेल्फ लगाई है, और इसी के बगल में ये बुक्स रखी हैं, और वो पेन है, ये पेंटिंग्स, ये चेयर के ऊपर थ्रो रखी है, ये एक फिश टैंक, ये स्पीकर है, साइड लुक लिविंग रूम का। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये लिविंग रूम नाइट में कैसा लगेगा। So guys, here's the final result of bathroom. So as you guys can see how I organized the whole thing, how I put together everything. So मैंने तो आपको पहले ही ये दिखा दिया कि मैंने मिरर किस तरीके से लगाई, ये सिंक मैंने किस तरीके से लगाई, एक मैंने टॉवल साथ में हैंग किया है, साथ साथ में मैंने एक प्लांट लगाया है और एक हैंड सैनिटाइज़र लगाया है उसके ही पास में। And in the left I organized the whole vanity area, जिसमें मैंने एक छोटी सी मिरर दी है, साथ में एक चेयर लगाई है और एक कोम्ब भी दी है छोटी सी, और छोटे छोटे हुक्स लगाए हैं कुछ हैंग करने के लिए। और ये वाली वॉल बिल्कुल खाली लग रही थी तो मैंने एक विंडो प्लेस करी यहाँ पर, जिसके कर्टेंस मैंने चेयर से मैच करते हुए बनाए हैं, ताकि सब कुछ मैंने सब कुछ कलर कोऑर्डिनेट करके बनाया है ताकि सब कुछ अलाइन लगे एक दूसरे से। और बाकी मैंने यहाँ पर एक बाथ टब रखा है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी हॉल वीडियो में दिखाई दिया था, और एक वॉशिंग मशीन, और उसके पास में एक शेल्फ है, और बाथ टब के पास में मैंने एक फ्लावर वास प्लेस किया है, नीचे फ्लोर पे मैंने फर वाला रग प्लेस किया है, और इस वॉल पे भी मैंने एक शेल्फ रखी है जिसपे कुछ टॉय, शैम्पू, सोप और कुछ प्लांट्स प्लेस करे हैं। और उसी के अगर पास में आप देखोगे तो आपको छोटा सा लूफा भी दिख रहा होगा। साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा टॉवल भी हैंग किया है। ये रहा बाथरूम का नाइट व्यू। यस गाइस, ये केशु के घर का पार्ट वन है, जिसमें हमने बाथरूम और लिविंग रूम को कवर कर लिया है, और पार्ट टू में हम बेडरूम और गार्डन को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का पार्ट टू भी ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।